कहते हैं कि समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। वेल्डर बेस्ट के साथ जंग पे जाने के लिए मैं पूरी तरीके से रेडी था, लेकिन उसी टाइम लैला कुछ ऐसा करती है कि मेरे सारे प्लान वही के वही धरे रह जाते हैं। मगर मैं वो नहीं हूँ जो मेरे साथ हुआ, मैं वो हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, एक ग्रेट वाइकिंग। और एक वाइकिंग के लिए बिना लड़े हार मान लेना असंभव है। ऑल राइट, सो डे 201, एक सुहाना दिन था। वेल्डर बिस्ट को मारने के लिए मैं पूरी तरीके से रेडी था, लेकिन यहाँ पर आता है स्टोरी में एक अनचाहा ट्विस्ट। जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था उसमें अब ज़्यादा पावर होने का घमंड आ गया था, क्योंकि ये नाइट फ्यूरी में से फ्लेम फ्यूरी बन चुकी थी। लैला ने अब मेरे सारे ऑर्डर्स मानना बंद कर दिया था, ना मैं इसे फॉलो का ऑर्डर दे सकता था, ना उसे सोने का, कुछ भी नहीं। अगर ये कहीं दूर निकल जाए तो मैं इसे वापस भी नहीं बुला सकता था। अब मैं इसे लेके तो विल्डर बिस्ट से लड़ने बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। लेकिन लैला वॉज एन इमोशन, इसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया था मैंने, काफ़ी टाइम साथ साथ घूमे थे हम, इसलिए इसकी एक फ़ोटो तो मेरे पास होनी चाहिए। पता नहीं फिर कभी दिखे या ना भी दिखे, इसलिए सबसे पहले मैं एक कैमरा बना लेता हूँ। फिर मैं बाहर लैला की फ़ोटो लेने आता हूँ तो ये यहाँ भी नाटक कर रही थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये अच्छे से पोज देती है तो इसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। उसकी फ़ोटो को मुझे माइनिंग एरिया के पास लगाना था, लेकिन फ़ोटो फ्रेम बहुत छोटी डिलीवर हुई थी तो मैं अपने तरीके से उसे बड़ी कर देता हूँ एंड फाइनली यहाँ लगा देता हूँ लैला की फ़ोटो। इट वॉज लुकिंग जस्ट अमेजिंग। अब लैला की फ़ोटो ली थी तो इसे कैसे भूल सकता था, हमारा प्यारा डोरेमोन। तो उसकी भी एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ और उसे स्टेयर्स के नीचे लगा देता हूँ। फिर मैं ऐसे ही अपने घर के बाहर के नज़ारे देख रहा था, तभी मुझे एक गंदी सी शक्ल दिखती है। Why you bullying me? तो क्या आरती उतारू मैं तेरी? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। खैर, अब लैला तो मेरे ऑर्डर मान नहीं रही थी, इसलिए मुझे कोई और ड्रैगन चाहिए था जो मेरी हेल्प करे। इसलिए मैं बॉन्ड क्नेपर को उठाता हूँ और उसे इंक्यूबेट होने रखता हूँ। तब तक मैं थोड़े बहुत वीट हार्वेस्ट करता हूँ और सब लोगों को खाना खिलाने आता हूँ। लेकिन तभी आगे स्वाद भाई, इतना भी क्या गुस्सा, अब गंदी शक्ल है तो है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर मुझे मजबूरी में इन सब को ये सब काम करने के बाद मैं फार्म को वापस रिपेयर करता हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन तब भी मुझे याद आता है कि जब मैंने लास्ट टाइम एक बॉस को मारा था तब उसके पास से मुझे एक वेपन मिला था, तो वो देखने आता हूँ। और ये रहा बुल बैटल एक्स। हाँ, इसकी हेल्थ थोड़ी कम थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि इसमें मेंडिंग थी, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि इससे भूकंप भी लाया जा सकता था। बवाल चीज है वे। भूकंप के चक्कर में तो ये भूल ही गया था कि किसी को पकने भी रखा है मतलब इंक्यूबेट होने के लिए रखा था। तो जैसे ये इंक्यूबेट हो जाता है इसे उठा लेता हूँ, और ये फीमेल थी इसके लिए इसका नाम रख देता हूँ। वैसे ये पूरी कंकाल जैसी थी इसलिए ये नाम रखा था, लेकिन भाई ये दिखने में सीरियसली ऐसी खूंखार लग रही थी। अच्छा है सिजुका जैसी नहीं निकली। अपार्ट फ्रॉम जोक, सिजुका इज क्यूट खूंखार ड्रैगन, ठीक है, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा उसकी। अब इसे बड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा मीट चाहिए था, इसलिए मैं एक और फार्म बनाता हूँ। वैसे ये फार्म बहुत ईजी होता है और सस्ते में भी बन जाता है। फिर मैं शिप को लेकर आ रहा था तो एक अजीब और डरावना इंसिडेंट हुआ। बहुत ज़ोरों से बिजलियाँ कड़कने लगी और फिर एक आवाज आई, दो ड्रैगन्स के डीएनए मिला के एक नया ड्रैगन बनेगा और वही मारेगा विल्डर बिस्ट को। क्या करना है, कैसे करना है, वो सब बताने के लिए साइंटिस्ट जंडूबाम जल्द ही विलेज में हाजिर होंगे। और इतना बोलते ही सडनली बारिश चालू हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, वो आवाज किसकी थी, कुछ भी नहीं। खैर, मैं जल्दी से फार्म का काम कंप्लीट करता हूँ और अंदर सोने चला जाता हूँ। अगले दिन शिप्स को ब्रीड कराता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में कई सवाल थे। वो आवाज़ किसकी थी, क्या चाहता है वो, ये झंडू बाम कौन है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। खैर, मैं वो सब इग्नोर करके कुछ ड्रैगन ट्रेट बनाता हूँ। अब ऐसे थोड़ी कोई भी मुँह उठा के कुछ भी बोले और मैं मान लूँ, ऐसा तो नहीं होता। सही बात है। फिर मैं डोरेमोन और कंकाल देवी को बाहर लाता हूँ और दोनों का लेवल अप करता हूँ। इतना ज़्यादा तो लेवल अप नहीं होता, लेकिन दोनों थोड़े बड़े हो गए थे और दोनों ही थे एक दूसरे से ऑपोजिट। एक था एकदम प्यारा सा क्यूट और दूसरा खूंखार खतरनाक। फिर ये सारा काम करके आसपास घूम रहा था तो मुझे विलेज में कोई दिखा। मैं उसके पास जाता हूँ तो आई वॉज शॉक, यही था वो झंडू बाम साइंटिस्ट। मैं उससे बात करता हूँ तो वो बोलता है, चुप, कुछ मत बोलो, मैं जो बोलूँ उसे सुनो,
वेल्डर बिस्ट को मारना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर गलत ड्रैगन को लेके जाओगे तो इस दुनिया से सारे ड्रैगन्स मिट जाएंगे। तुम्हें एक ऐसा ड्रैगन बनाना है जो नाइट फ्यूरी के डीएनए से बना हो। वो जंडू बाम ने मुझे सारी चीजें बताई, कैसे डीएनए कंबाइन करना है, कैसे सारे मशीन बनाने हैं, और सबसे बड़ी बात बताई कि जहां फ्लेम फ्यूरी स्टोन बनाया था वहीं पर एक नाइट फ्यूरी का अंडा मिलेगा। मैं उस जंडू बाम के बताए मुताबिक एक डीएनए एक्सट्रैक्टर, डीएनए इंक्यूबेटर और एक डीएनए कंबाइनर बना लेता हूं और अपने पोर्टल के बाजू में लगा देता हूं। फिर मैं नाइट फ्यूरी टेंपल में जाता हूं। वैसे तो मुझे उस पर यकीन नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। और जैसे ही फ्यूरी टेंपल में पहुंचा, अगेन आई वॉज शॉक। नाइट फ्यूरी एग, ये कैसे पॉसिबल था कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और सही बताऊं तो मैं समझना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अब मुझे झंडू बाम पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा था। मैं वहां से एग लेके आता हूं और इंक्यूबेट होने रख देता हूं। फिर जब तक एग इंक्यूबेट हो रहा था तब तक मैं एक दूसरे ड्रैगन का डीएनए कलेक्ट करता हूँ। झंडू बाम ने बताया था कि जो माइनिंग के टाइम पुराने ड्रैगन्स के अवशेष मिले थे उससे फॉसिलाइज्ड ड्रैगन बनाना है, तो वो मैं बना लेता हूँ। जैसे ही नाइट फ्यूरी इंक्यूबेट होता है तो मैं उसे हैच करता हूँ, और यह फीमेल थी इसके लिए इसका नाम रख देता हूँ। ये छोटी पॉपकॉर्न तो आ गई थी, लेकिन इसका डीएनए ले नहीं सकता था, इसलिए जल्दी से मुझे इससे 100 लेवल की करनी थी। तो फाइनली कुछ टाइम में पॉपकॉर्न 100 लेवल की हो जाती है और मैं इसका डीएनए ले लेता हूँ। और ये रहा नाइट फ्यूरी का डीएनए। तो अब टाइम आ गया था एक और नया ड्रैगन बनाने का। तो इसमें एक आयरन एग रखता हूँ, फिर फॉसिलाइज ड्रैगन और उसके साथ नाइट फ्यूरी का डीएनए। और जैसे ही रखता हूँ ये कुछ प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद फाइनली एक नया ड्रैगन का एग बन जाता है जो था बॉर्न फ्यूरी, लेकिन इसे इंक्यूबेट करना बाकी था इसलिए इसे डीएनए इंक्यूबेटर में रखता हूँ और इसमें कोई लावा या वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंक्यूबेट होने के बाद इसे फाइनल टच देने की बारी थी जिसमें इसे थोड़ा मारना था। तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। प्यार से ही मारना है, तोड़ नहीं देना इसे। सॉरी। तो अब ये पूरी तरीके से इंक्यूबेट हो जाता है और अब टाइम आ गया था इसे हैच करने का। तो ये मेल था, इसके लिए इसका नाम रख देता हूँ। अब रूटर को दिखाओ, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि इसका नाम रूटर क्यों रखा। सो रूटर है इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म जहाँ स्ट्रीम करने के नहीं पर स्ट्रीम देखने के भी पैसे मिलते हैं। क्या बात है? हाँ सही सुना, स्ट्रीम देखने के। अब जब गेम्स देखनी है तो देखते देखते पैसे भी क्यों ना कमाए जाए। तो वो पैसे से आप फ्री फायर के डायमंड्स, BGMI के UC या फिर सीधा पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ आसान से डेली टास्क को कंप्लीट करके भी पैसे कमा सकते हो। और इतनी आसान चीज भी अगर मुश्किल लग रही हो तो रूटर में एक स्पिनर भी दिया हुआ है जिसे सिर्फ स्पिन करके भी पैसे कमा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में रूटर की लिंक है, वहां से डाउनलोड करो। और हाँ, वहां मुझे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि जल्दी मैं वहां पर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जल्दी आ जाना, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। सो ये रहा हमारा रूटर जिसको रेडी करना था विल्डर बिस्ट को मारने के लिए। भाई ये था तो छोटा सा, लेकिन क्या ही खतरनाक गुस्से वाला लग रहा था। अब जो झंडू बाम ने बोला था कि विल्डर बिस्ट को मारना उतना भी मुश्किल नहीं है, वो अब इसको देख के सही लग रहा था। फिर मेरे पास जितने भी ड्रैगन ट्रीट थे वो उसे खिलाना चालू करता हूँ, और ये भी बहुत मजे से खा रहा था। तो सारे ड्रैगन ट्रीट खिलाने के बाद ये 25 लेवल का हो जाता है। पर सही में ये बहुत मस्त लग रहा था। ये जितना खतरनाक दिखता है उतना ही क्यूट लगता है जब ये सोता है। फिर थोड़ा डेकोरेशन का सामान बनाता हूँ। खुशी का माहौल था भाई, एक नया ड्रैगन ऐड हुआ था तो अच्छे से डेकोरेशन करना तो बनता था। साथ ही साथ सोचता हूँ एक जिम भी खोल दूँ ताकि बॉडी शॉडी भी बना दूँ। अब एक वाइकिंग हूँ तो थोड़ी बॉडी तो चाहिए ना भाई। फिर सब कुछ क्राफ्ट करने के बाद थोड़ा बहुत एरिया क्लियर कर लेता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ रखनी थी चेयर। बीच के पास ऐसे ठंडा पवन चल रहा हो, चील करने का मन हो तो इधर आके बैठ सकते हैं। उसके बाद पीछे एक अम्ब्रेला लगा देता हूँ और बाजू में ही अपना खुद का सोडा मशीन लगा देता हूँ। बेकारी नहीं है अपुन, बहुत पैसे अपने पास। तो अब बारी थी जिम की। तो पहले थोड़े बहुत डंबल्स रख देता हूँ, फिर ट्रेडमिल और थोड़े बहुत और इक्विपमेंट लगा देता हूँ। क्या है ना, हम जिम विम नहीं जाते, जिम को ही घर पे बुला देते हैं। अभी बोला ना, बहुत पैसे अपने पास। फिर एक गिटार में अपने ऊपर वाले रूम में लगा देता हूँ ताकि थोड़ा गाना वाना भी गा सकूँ। फिर वही दीवार पर डार्ट बोर्ड भी लगा देता हूँ। अब डेकोरेशन की बात आए और हमारे नए ड्रैगन का फोटो ना आए तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रूटर को बुलाता हूँ और उसकी एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। अब उस फोटो की जगह मैंने पहले से ही सोच के रखी थी। यहाँ पर अब टीवी तो लगने से रहा था तो मैं वहाँ पर फ्रेम लगाता हूँ और वहीं पर रूटर की फ़ोटो लगा देता हूँ। ऐसे परफेक्ट लग रही थी यहाँ पर फोटो, नीचे से ऊपर आओ तब भी ये मस्त लग रही थी।
पर भाई ये इतना गुस्से में रहता है रूटर, कभी कभी तो मैं भी डर जाता हूँ इससे देख के। अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि मैं क्यों डर जाता हूँ इससे। खैर फिर मैं चेस्ट बनाता हूँ, और ये ऐसी वैसी नहीं थी, यूनिक चेस्ट थी। तो ये बन गई डायमंड की चेस्ट। ये यूनिक नहीं है फिर भी भाई इसकी स्टोरेज कितनी ज़्यादा है। लेकिन मुझे बनानी थी क्रिस्टल चेस्ट, तो डायमंड चेस्ट को ऐसे रखना है और हर साइड ग्लासेस, तो ये बन गई क्रिस्टल चेस्ट। ये चेस्ट में कोई भी आइटम स्टोर करते हो तो वो बाहर से दिखती है, तो ये घर में बहुत अच्छी लग रही थी। आपको क्या लगा यूनिक है तो चेस्ट में से अलादीन का चिराग निकलेगा? ना रे ना, मेरे पास रूटर एप्लीकेशन है, वो अलादीन के चिराग से कम थोड़ी है। बात तो सही है। फिर मुझे जाना था फायर नेशन डंजन में, वहाँ के फायर नेशन के कपड़े लाने के लिए। कहा जाता है कि वहाँ के कपड़े बहुत स्ट्रांग होते हैं, चाहे वो हेलमेट हो, बूट हो या कुछ भी। लेकिन जाने से पहले मुझे एक बैकपैक बनानी थी जिसमें मैं ज़्यादा सामान कैरी कर सकूँ। तो मैं एक बैकपैक बना लेता हूँ, लेकिन ये इतनी पसंद नहीं आई इसलिए इसे रेड कलर का बना देता हूँ। ऐसे मैं रेड बैग पहन के चलो तो नेदर वाले लोग ऐसे देखते रह जाना चाहिए। एक मिनट, ये बैग किधर है? शायद चेस्ट प्लेट में छुपी होगी, उसे निकाल देता हूँ। ओ भाई किधर गई बैग? बैग पीछे ही लगाते हैं, किधर लगाई है? सारे रेडस्टोन बर्बाद, पैसा बर्बाद। क्या ही शो ऑफ करूँगा अब मैं। बैग दिखती नहीं है पर है सही, यहाँ इतनी सारी स्टोरेज है, उसके अलावा इनबिल्ट क्राफ्टिंग टेबल है, और साथ ही साथ पानी और लावा भी स्टोर करने की जगह दी थी बैग में। वैसे इनबिल्ट क्राफ्टिंग टेबल का फ़ायदा तो था, क्राफ्टिंग टेबल ऐसे ढूंढने नहीं जाना पड़ता। फिर मैं अपने बो को रिपेयर कर देता हूँ, और अब मैं फाइनली रेडी था फायर नेशन डंजन में जाने के लिए। तो मैं आ जाता हूँ नेदर में। वैसे फोर्ट्रेस के मामले में तो मेरा नसीब अच्छा था, स्पॉन के सामने ही फोर्ट्रेस, तो मैं यही उम्मीद में ढूंढने निकलता हूँ। एंड लिटरली मेरा नेदर में नसीब बहुत अच्छा था, मेरे फोर्ट्रेस के पीछे ही डंजन था, मतलब कि स्पॉन के सामने फोर्ट्रेस और फोर्ट्रेस के पीछे ही डंजन। मैं वहाँ से थोड़े बहुत नेदर एक ले लेता हूँ और आ जाता हूँ डंजन के पास। अब मेरे पास ऑलरेडी टीयर 3 की कीज़ तो पड़ी हुई थी, तो उसे यूज़ करके आ जाता हूँ डंजन में। डंजन का माहौल कुछ ज़्यादा ही गर्म था, हर जगह लावा लावा ही थी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मेरे आसपास कोई है, एंड सही में था। लेकिन ये सब बहुत नुबड़े होते हैं इसलिए इनका तो कोई खतरा नहीं था। ऊपर से मेरी बैटल एक्स में भूकंप लगा हुआ था, तो धो दिया बेचारों को। फिर वहाँ से आगे जाता हूँ, लेकिन ये डंजन खतरों से भरा हुआ था, ऊपर से आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और थोड़ा आगे जाते ये नुबड़े वापस आ जाते हैं, यार सही से काम भी नहीं करने देते ये लोग। हर रूम में यही पड़े मिलते हैं, लेकिन रूम में जाते ही मुझे एक बेवड़ा मिला सोता हुआ। भाई इतनी क्यों पीते हो यार? लेकिन ये ऐसे राजा की तरह सोया था ना, जिसे देख के बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। फिर मैं एक रूम खोलकर अंदर जाता हूँ, तो अंदर एक नुबड़ा था और एक गोलू चाचा थे। तो नुबड़ा तो सस्ते में निपट जाता है, और इस बेचारे गोलू चाचा को तो इतने भूकंप के झटके दिए हैं ना। आई एम सॉरी बाबू, थोड़ी बहुत मुझे भी पड़ी, लेकिन इसको मारने में कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मैं एक और रूम में जाता, और वहां पर थी ब्लेस के मामा की लड़की। भाई इतनी आग फेंक रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं भाई इतनी आग कहां से ला रही थी। अरे बस कर दे बहन, थकती नहीं हो क्या? नहीं नहीं थकती तो ये लो। फिर जैसे ही मैं एक आखिरी रूम में जाता हूँ, तो मेरा धमाकेदार स्वागत होता है। सब लोग एक साथ मेरे पे टूट पड़े। अरे हटो बे, बच्चे की जान लोगे क्या? लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे थे, तो एक एक करके इन सबको निपटा देता हूँ। वहाँ पर एक ड्रैगन सो रहा था, जो था फ्लेम स्पिटर। तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता, सोचता हूँ कि क्या ही इसे डिस्टर्ब करूँ, वैसे भी ये नुबड़ों को काम पे रख के खुद परेशान है। फिर वहाँ पर पड़ी हुई चेस्ट को ओपन करता हूँ, तो उसमें से मुझे मिलते हैं फायर नेशन के कपड़े, तो वो ले लेता हूँ, और साथ ही साथ चेस्ट भी ले लेता हूँ, और फिर वहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। फिर घर पे आके फायर नेशन के कपड़े पहनता हूँ। भाई खतरनाक लग रहे थे, ऐसा लग रहा था अब जाके मैं एक योद्धा बनाऊँ। लेकिन मुझे इसमें गर्मी बहुत लग रही थी और भारी भी बहुत थे इसलिए। फिर मैं वीट को हार्वेस्ट करने आता हूँ और काउ को ब्रीड कराता हूँ, क्योंकि अब ड्रैगन्स बहुत ज़्यादा हो गए थे और सबका लेवल अप भी करना था। वो सब काम करके ऊपर आता हूँ और क्रिस्टल चेस्ट को देखता हूँ। क्या ही मस्त लग रही थी ये चेस्ट, गोल्ड लैपिस वगैरह गोल गोल घूम रहे थे, बहुत मस्त लग रहा था। फिर मैंने कंकाल देवी का थोड़ा बहुत लेवल बढ़ाया, लेकिन ये अचानक गायब हो गई। मुझे लगा इसने भी लैला के जैसे ऑर्डर मानना बंद कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं था, ये वापस आ गई। अब मुझे इसे 100 लेवल पर पहुंचाना था, क्योंकि रूटर को अभी मैं बाहर लेके नहीं जा सकता था, और नाइट फ्यूरी के साथ मैं बहुत घुमा था, इसलिए यही ड्रैगन है जिसे लेके मैं बाहर घूमने निकल सकता हूँ। फाइनली ये भी 100 लेवल की हो जाती है। फिर इस पे बैठ के एक राउंड मारने निकलता हूँ, तो इसकी स्पीड इतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी, मीन्स नॉर्मली स्पीड थी, लेकिन ये दिखने में बहुत खूंखार थी, आधा ड्रैगन्स की तो इसे देख के ही फट जाती होगी। फिर मैं घर पे आता हूँ और सोने चले जाता हूँ, क्योंकि अगली सुबह मुझे जल्दी एक्सप्लोर पे निकलना था। फिर सुबह होते ही मैं वापस कंकाल देवी को बुलाता हूँ और निकल जाता हूँ एक्सप्लोर करने। मैं सवाना बायो में पहुँचता हूँ, तो वहाँ पर एक अजीब स्ट्रक्चर दिखाई दिया। मुझे लग रहा था शायद ये कोई डंजन है जहाँ अंडरग्राउंड जाने का रास्ता होगा, लेकिन वहाँ पर एक पत्थर था, और जैसे ही उसे छूता हूँ तो मैं अलग ही दुनिया में पहुँच गया।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इसीलिए बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि अनजानी चीजों को छूना नहीं चाहिए। मैं आसपास सब देखने के लिए निकलता हूँ कि एग्जैक्टली ये जगह क्या है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। बस मिल रहे थे तो सिर्फ ये। फिर मुझे ये जगह काफी बोरिंग लग रही थी तो मैं वहां से बाहर आ जाता हूँ। फिर मैं एक डेजर्ट में पहुंचता हूँ तो वहां भी एक अजीब चीज दिखाई दी, तो मैं अपनी गाड़ी वहां पर रोकता हूँ। और सामने ये कंकाल देवी के फैमिली वाले भी थे, लेकिन ये टावर क्या था वो समझ ही नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा थोड़ा नजदीक जाता हूँ और संभाल के जाता हूँ, क्या पता भाई एसिड जैसा ही कुछ निकल जाए। फिर मैं हिम्मत करके अंदर जाता हूँ तो ये कुछ चिपचिपा था, कुछ खतरा तो नहीं था लेकिन ये बहुत ही ज्यादा चिपचिपा था। पता नहीं भाई क्या क्या मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कोई काम की चीज ही नहीं मिल रही है। सही बात है। कौन बोला ऐसा? कौन बोला? मुझे क्या मालूम। वहाँ देखो हेबेल, अब इससे ज्यादा काम की चीज क्या ही होगी। और वहाँ पर एक ऑफर चल रही थी हेबेल के साथ ड्रैगन फ्री, तो ये था नेडर एग जिसको ले लेता हूँ। और हेबेल तो मेन थे तो वो भी ले लेता हूँ। और वो कलेक्ट कर ही रहा था कि मेरी नज़र एक ड्रैगन पे पड़ती है, शायद वही था नेडर ड्रैगन। अब पता नहीं वो था कि नहीं, पर अच्छा तो लग रहा था। जो भी हो, मैं वहाँ से हेबेल ले लेता हूँ और निकल जाता हूँ। आगे जाता हूँ तो मुझे वापस वो चिपचिपे केमिकल के टावर्स दिखते हैं, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही थे। और मेरा कोई अचीवमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। मैं आसपास देखता हूँ कि शायद इस बार कुछ होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला सिर्फ। फिर उसी डेजर्ट में मुझे एक ड्रैगन नेस्ट मिलता है, तो मैं अपनी गाड़ी रोकता हूँ और पहले ये दो चार भाड़े के गुंडों को निपटाता हूँ। फिर मैं एग लेने आता हूँ तो ये था मॉन्स्ट्रस नाइटमेयर एग। शायद ये फायर में रह रहा था, इसका मतलब इसे फायर में कुछ भी नहीं होता होगा, पता नहीं। लेकिन मेरे ड्रैगन्स के कलेक्शन में अब एक और ड्रैगन ऐड हो चुका था। फिर मैं वहां से निकल ही रहा था कि मुझे एक और स्ट्रक्चर दिखता है, शायद ये भी ड्रैगन नेस्ट था। ऐसा लग रहा था डेजर्ट में कुछ ज्यादा ही ड्रैगन्स रहते हैं। क्यों भाई, बाकी सारे बायोम में कांटे लगे? मैं पानी में कूदता हूँ और मुझे एग दिखाई भी देता है, तो मैं वो एग लेके वहाँ से बाहर आता हूँ और वो था हाइड्रोप्टेरा एग। फिर मैं घर आने की तैयारी कर ही रहा था कि मेरे सामने एक कंकाल देवी ने दो गुंडों को निपटा दिया। ये ड्रैगन्स की बिना पूछ के मारने वाली आदत किसी दिन मेरी जान लेके मानेगी। खैर मैं वहाँ से सीधा घर आ जाता हूँ, लेकिन घर पर आके देखता हूँ कि एक ड्रैगन मेरे घर पर आया है, लेकिन ये पूरा पागल हो गया था, पागलों वाली हरकत कर रहा था। ऊपर से मेरे ही चिकन फार्म में आके बिना पूछे चिकन खा रहा था। क्यों भाई, बाप का माल है। फिर मैं फार्म में आके सबको खाना वाना खिलाता हूँ, लेकिन तभी मेरे पास वही पागल ड्रैगन आता है। और तब पता चला ये नेडर रह गया जिसका अंडा लेके आया था। ये डिजर्व करता है चिकन खाना वहां से, हमने इसका अंडा लिया था तो इतना तो कर ही सकते हैं। लाइन पे थोड़ा टाइम ब्रेड कराने के बाद मैं रूटर को बाहर बुलाता हूँ, क्योंकि अब इसका बड़ा होने का टाइम आ गया था। इसको पेट भर के खाना खिलाता हूँ और अब ये भी 100 लेवल का हो गया था। पर भाई इसका गुस्सा, इसकी शक्ल से ही दिखाई दे रहा था कि ये कितने गुस्से में है। सच में मुझे भी इससे डर लग रहा था, क्या पता भाई इसकी सनकी और मेरी वाट लगा दे। खैर थोड़े और ड्रैगन ट्रीट बचे थे तो मैं अपने सबसे बड़े ड्रैगन को बाहर लाता हूँ। ठीक है, अभी खाना वाना खिलाओगे, उसके बाद देखना है सिजू का कितनी बड़ी हो जाती है। भाई ये 21 लेवल की हो गई है और ये बड़ी ही नहीं हो रही है। छोटी बच्ची हो क्या? मुझे लगा थोड़ा खाना वाना खाएगी तो हो जाएगी। यार इसको ड्रैगन किसने बनाया? पूरे ड्रैगन कम्युनिटी का नाम खराब कर दिया इसने तो। फिर सब कुछ सही चल रहा था, रूटर भी 100 लेवल का हो गया था, अब बस वेडर बिस्ट को मारना था। तो सोचता हूँ क्यों ना एरिया थोड़ा बड़ा कर लिया जाए ताकि सारे ड्रैगन आराम से रह सके, जेब में लेके घूमना ना पड़े सबको। लेकिन मैं एरिया क्लियर कर रहा था तभी वापस बिजलियाँ कड़कने लगी और वापस एक आवाज आई, रूटर अब 100 लेवल का हो गया है, लेकिन वेडर बिस्ट को मारने जाने से पहले उसका अंडा लेना होगा, और साथ ही साथ वेडर बिस्ट को कंट्रोल करने वाले बराको को मारना होगा। जैसे ये दो काम करोगे, विल्डर बिस्ट की आधी पावर उसी वक्त खत्म हो जाएगी और बाकी का काम रूटर संभाल लेगा। और जैसे ये आवाज खत्म हुई वापस बारिश आने लगी, मैं वापस से कंफ्यूज हो गया। लेकिन उस टाइम ज्यादा ना सोचते हुए मैं सीधा सोने चला जाता हूँ। अगली सुबह कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है, क्या करना है, इसलिए वापस मजदूरी करने लग जाता हूँ। थोड़े बहुत स्टोन वगैरह तोड़ के वहाँ पे डर्ट लगा देता हूँ। इतने टाइम में ज्यादा तो नहीं बढ़ा पाया, लेकिन थोड़ा एरिया तो एक्सटेंड कर ही देता हूँ। उसके बाद वापस डेको बेंच पर आता हूँ और कुछ कुछ चीज़ें बनाता हूँ, जैसे कि एक टेलीफोन बना दिया और यहाँ टेबल पर रख दिया, और एक सोफ़ा बना दिया जो मुझे फोटो के सामने लगाना था, तो अपना पुराना सोफ़ा तोड़ के नया लगा देता हूँ। और एक साइन बोर्ड लगाना था जो ऑब्वियसली घर के ऊपर लगता है, तो वहाँ बोर्ड लगा देता हूँ ताकि दूर से ही दिखाई दे कि एक वाइकिंग का घर है। और साथ ही साथ एक टेलीस्कोप बना देता हूँ ताकि आसमान में देखता रहूँ कि कोई एलियन वगैरह तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। उसके अलावा एक क्लोजेट था जो मैं स्टेयर्स के नीचे रख देता हूँ, तो ये यहाँ पर बहुत परफेक्ट लग रहा था। साथ ही साथ थोड़ी जगह फिल करने के लिए मैं टेम्पररी कोबलस्टोन लगा देता हूँ। तो ये सब काम करने के बाद शाम हो जाती है, तो मैं थोड़ा टाइम घर के बाहर स्पेंड करता हूँ। वैसे भी अगले सुबह थोड़ा मुझे बाहर जाना था, तो मैं उस टाइम टेलीस्कोप में देखता हूँ कि कोई स्टार गिर रहा है क्या, या फिर कोई जादू वादू आ रहा है क्या।
और तब तक रात हो जाती है तो मैं घर पे आके सो जाता हूँ। अगले सुबह रूटर को बुला के मैं एक्सप्लोर पे निकलता हूँ। और अब मुझे पता था कि करना क्या है। मैं एक डेजर्ट में पहुँचता हूँ और वहाँ पर भी मुझे एक अजीब स्ट्रक्चर दिखता है। ये सारे अजीब स्ट्रक्चर डेजर्ट में क्यों मिलते हैं यार? खैर, मैं जैसे ही नीचे उतरा रूटर ने मुझ पर गंदा अटैक किया। मैंने क्या बोला था, कभी कभी तो मैं खुद भी डर जाता हूँ इससे। एक्चुअली वो यहाँ के गुंडों को मार रहा था, लेकिन गलती से मुझे लग गई। लेकिन सीरियसली भाई, बहुत मुश्किल से बचा था मैं। हेल्थ रिकवर करके आता हूँ तो मेरे सामने एक स्पाइडर आता है और ये अपनी टांगे ड्रॉप करता है जो बहुत काम की होती है, तो वो ले लेता हूँ। फिर मैं वो स्ट्रक्चर में आता हूँ और यहाँ आसपास सब देखता हूँ तो मुझे नीचे जाने का रास्ता मिलता है। तो नीचे आते ही ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई खजाना मिल गया, तो सारी चीज़ें जो डेकोरेशन के लिए मिल सके सब उठा लेता हूँ और फिर एग तोड़ता हूँ जो था एस्टेक एग। क्या ही मालूम कैसा ड्रैगन होगा, लेकिन ले लेता हूँ। उसके अलावा एक वेदर स्कल भी पड़ा हुआ था तो वो भी ले लेता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। फिर वहाँ उसी डेजर्ट से अटैच एक स्ट्रक्चर दिखता है जो पूरी तरीके से बर्फ़ से बना हुआ था, तो मैं उधर देखने जाता हूँ। अब इतना तो पता था कि ये कोई ड्रैगन नेस्ट है, तो बर्फ़ वगैरह तोड़ के अंदर जाता हूँ। और अंदर जाते ही मैंने जो देखा है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ पर वेल्डर बिस्ट का अंडा था, मतलब कि दो काम में से एक काम तो कंप्लीट हो गया था, बस अब उस बैराको को मारना था। जैसे ही मैं उसे मारूंगा, वेल्डर बिस्ट की आधी पावर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी भी इतना आसान नहीं था। मैं वहाँ आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे यहाँ पे कुछ बंदे दिखे थे, लेकिन पता नहीं ये यहाँ पे कहीं पे गायब हो गए थे। फिर मैं स्पाइडर को मार रहा था तो ये अचानक आ गया। उसे मारता हूँ तो उसने कुछ शेडो नेशन डंजन की ड्रॉप की, मतलब कि यहाँ पर एक और डंजन हो सकता था। और तभी मुझे एक जगह दिखती है जहाँ से ये मकड़ी बाहर आ रही थी, तो मैं उस जगह पे जाता हूँ और यहाँ पर भी एक बंदा था तो उससे मार देता हूँ। और फाइनली मुझे शेडो नेशन डंजन भी मिल जाता है, जहाँ से मैं एक रेयर शेडो फ्यूरी बना सकता था। मैं उस डंजन में जाता हूँ और यहाँ पे दो पेंटिंग्स पड़ी हुई थी। पता नहीं यहाँ पे कौन सा कलाकार रहता है, लेकिन मैं वो पेंटिंग्स ले लेता हूँ। फिर थोड़ा अंदर जाते ही वही स्पाइडर का स्पॉनर मिलता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि इस डंजन से तीन चीज़ें लेनी होती है, एक शेडो एसेंस, दूसरा है स्पाइडर की टांगे और तीसरा विस्प प्लाज्मा, जो अभी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले ब्लेस के मामा की दूसरी लड़की को निपटा देता हूँ। भाई ये लोग इतनी आग फेंकते रहते हैं ना, पता नहीं कहाँ घुसा के रखते हैं इतनी आग। लेकिन जो भी हो, इसे मार देता हूँ। और हाँ, मैं क्या बोल रहा था, विस्प प्लाज्मा, तो ये इन लोगों को मार के मिलता है। थोड़ा बहुत लूट वगैरह करके मैं एक मेज़ में आता हूँ और यहाँ से एक रूम ढूंढना था, लेकिन ये मिल ही नहीं रहा था। कब से एक ही जगह पे घूमी घूमी किया जा रहा था। फिर बहुत टाइम निकालने के बाद फाइनली मुझे दरवाज़ा दिखता है, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मैं अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर भी वो आग वाले बैठे थे, तो पहले उससे निपटा देता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर जो खजाना पड़ा हुआ था, मतलब कि बहुत सारे गोल्ड के ब्लॉक, इतने गोल्ड के ब्लॉक आज से पहले कभी नहीं दिखे थे। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि अभी भी मुझे जिस रूम में आना था, ये वो रूम नहीं था। मतलब कि मुझे वापस मेज़ को सॉल्व करके रूम को ढूंढना था। लेकिन इस बार मैं एक ट्रिक लगाता हूँ, जो जो भी रास्ते कम्प्लीटली बंद हो वहाँ पर ब्लॉक लगा देता हूँ, ताकि वहाँ पर वापस घूम घूम के ना जाओ। और ये ट्रिक लिटरली काम कर जाती है, मुझे थोड़ी ही देर में दरवाज़ा मिल जाता है। और फाइनली ये वही रूम था जहाँ मुझे शेडो एसेंस मिलेगा। यहाँ पर थोड़ी मकड़ियों को मारता हूँ, थोड़े उड़ते मकड़ों को मारता हूँ और फिर आसपास जो लूटने जैसी चीज़ें मिलती है वो सब ले लेता हूँ। वहाँ से मुझे एंडर चेस्ट मिलती है और एक ड्रैगन हेड भी मिलता है। और फिर एक आखिरी चेस्ट ओपन करता हूँ जिसमें से मुझे मिलता है शेडो एसेंस। सो अब मेरे पास सारी चीज़ आ चुकी थी जिससे मैं पॉपकॉर्न को शेडो फ्यूरी में कन्वर्ट कर सकूँ। फिर मैं वहाँ से बाहर आ जाता हूँ, मैं वहाँ से सीधा घर आ जाता हूँ और घर पे आके झंडू बाम को ढूंढता हूँ, ताकि मैं उसे गुड न्यूज़ दे सकूँ कि मुझे वेल्डर बिस्ट का अंडा मिल गया है। लेकिन वो यहाँ पर मिलता ही नहीं है, वो बस एक फरिश्ते की तरह आया था और चला गया। फिर मैं घर पर आकर सबसे पहले चेस्ट के नीचे ब्रेजर रखता हूँ और उसके ऊपर चेस्ट रखता हूँ, ताकि चेस्ट और अच्छी लगे, और लग भी रही थी। फिर मैं थोड़ा बहुत हार्वेस्ट करता हूँ और सबको खाना खिला देता हूँ, साथ ही साथ वेल्डर बिस्ट को भी इंक्यूबेट होने रख देता हूँ। जब तक वो इंक्यूबेट हो रहा था, तब तक मैं थोड़ी बहुत ड्रैगन ट्रेड बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे मोगली और मजनू भाई का भी लेवल बढ़ाना था। फिर दोनों ड्रैगन को बुलाता हूँ और दोनों को ट्रेड खिलाता हूँ, और थोड़े ही टाइम में ये बड़े हो जाते हैं। दोनों ड्रैगन ऑलमोस्ट 30-30 लेवल पर पहुँच जाते हैं और दोनों उड़ना भी सीख जाते हैं। और अब मजनू भाई काफ़ी अच्छे लग रहे थे, और ये मोगली तो था ही क्यूटनेस की दुकान। फिर दोनों ड्रैगन को जेब में डाल देता हूँ और सोने चले जाता हूँ। फिर अगली सुबह मैं सारी तैयारी करने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे अब उस बैराको को मारना था। और सोचता हूँ रास्ते में अगर फ्यूरी टेम्पल मिल जाए तो शेडो स्टोन भी बना दूंगा, साथ ही साथ थोड़ा खाना भी ले लेता हूँ। और फिर रोटर भाई साहब को बुलाता हूँ और निकल जाता हूँ बैराको को ढूंढने। और इस बार तो सोच ही लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। फिर मुझे वो तो नहीं मिलता, लेकिन फ्यूरी टेम्पल जरूर मिल जाता है। तो मैं अंदर जाता हूँ शेडो स्टोन बनाने के लिए। तो एसेंस को इधर रखना होता है, ये टांगे इधर और प्लाज्मा इधर, तो ये बन गया शेडो स्टोन। ये एनविल भी कमाल के होते हैं, मतलब कि सिर्फ एक ही चीज़ बन सकती है, लेकिन जो भी बनता है पावरफुल बनता है।
तो अब मेरे पास शैडोस्टोन भी आ चुका था। अब बस इस दुनिया से उस बैराको को मिटाना था, इसलिए रूटर को बुलाता हूँ और निकल जाता हूँ उस बब्बूचक को ढूंढने। थोड़ा भटकने के बाद इसकी टोली दिखती है, मैं उसके पास जाता हूँ। सोचता हूँ क्या ही होगा, ऐसा ही मार दूंगा। मैं तो अपनी धुन में निकलता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुँचा कुछ एनिमेशन हुआ। मुझे लगा मेरा स्वागत कर रहा है, लेकिन ये तो मैं जलने लगा। फिर मैं थोड़ा साइड से जाता हूँ, लेकिन यहाँ भी यही था। मतलब कि उसने अपने चारों तरफ ऐसी बॉर्डर लगाई हुई थी कि कोई उसके पास ही ना आ पाए। तो अब मेरे पास एक ही रास्ता था, और भाई सीरियसली इसने सिर्फ एक शॉट मारा और इसकी हेल्थ आधे से भी कम हो गई। इससे भी डैमेज हो रहा था वो फायर का, लेकिन सीरियसली रूटर कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर था। एक और शॉट लगता है ये ख़त्म होने वाला था। मैं वापस घूम के आता हूँ, पहला शॉट मारता हूँ लेकिन वो मिस हो जाता है, लेकिन दूसरे शॉट में तो ख़त्म। उसने मेरे आने की तैयारी की थी, लेकिन रूटर आउट ऑफ सिलेबस निकला। भाई हम तो शुरू होते ही ख़त्म हुए यार। फिर नीचे उतर के एक नूबड़ा बच्चा था, तो उसे मार देता हूँ और उसके एरिया में जाता हूँ। अब वो फायर बॉर्डर भी ख़त्म हो गए थे, तो ये था उसका सिंहासन जहाँ वो बैठता था। मुझे तो उसकी शक्ल भी देखने नहीं मिली थी, बेचारा ऐसे ही मर गया था। जो भी हो, अब दोनों काम पूरे हो गए थे। इसका मतलब कि अब वेल्डर बिस्ट की आधी पावर चली गई थी। फिर आसपास की जगह में कुछ डेकोरेशन के आइटम मिल रहे थे, वो सब ले लेता हूँ। और तब तक रात हो जाती है, और मुझे यहाँ से एक मास्क मिला था जो मुझ पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था, लेकिन पहन के रखता हूँ और वहाँ से सीधा घर पर आ जाता हूँ। अगले दिन सबसे पहला काम करना था शैडो फ्यूरी बनाने का, तो मैं पॉपकॉर्न को लेके बाहर आता हूँ। तो ये रही पॉपकॉर्न जो अब पूरी तरीके से बदलने वाली थी, ये अब और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाली थी। एंड हेयर वी गो। लेकिन जैसे ये शैडो फ्यूरी बनी, आई वॉज शॉक। शैडो फ्यूरी ब्लू कलर की होती है, लेकिन ये एकदम रेयर बन गई येल्लो कलर की। इससे देख के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, सीरियसली ये क्या ही मस्त लग रही थी भाई। फिर मैं सारे ड्रैगन को लेके आता हूँ एक साथ, क्योंकि एक गेट टुगेदर करना था। पता नहीं वापस मिलना होगा भी या नहीं, क्योंकि अब मैं जाने वाला था वेल्डरबिस्ट को मारने। मुझे इन सबके साथ बहुत अच्छा फील हो रहा था, उस टाइम मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था। खैर, अब इन सब ड्रैगन्स को बचाने की जिम्मेदारी मेरे सर पे थी। मैं निकल जाता हूँ उस बड़े से गेंडे को मारने के लिए। मैं जल्दी से उस विलेज में पहुँचता हूँ जहाँ पर आखिरी बार वेल्डरबिस्ट को देखा गया था, लेकिन यहाँ के हालात कुछ भी सही नहीं लग रहे थे। लगता है अभी अभी उस विल्डर बिस्ट ने यहाँ पे अपना आतंक फैलाया था, और इसीलिए यहाँ पे कोई गांव वाले भी नहीं दिख रहे थे। मैं यहाँ पर बहुत कोशिश करता हूँ विल्डर बिस्ट को ढूंढने की, लेकिन मिलता ही नहीं है। हर जगह पे देखता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था यहाँ से वो चला गया है। अब मुझे इसे इतने बड़े वर्ल्ड में ढूंढने निकलना था, इसलिए रूटर को बुलाता हूँ और ढूंढने निकल जाता हूँ। बहुत दूर दूर भटकने के बाद फाइनली एक जगह पे मुझे विल्डर बिस्ट की झलक दिखती है। वैसे भी था इतना खतरनाक, बड़ा सा, मोटू सा, तो दिखना तो था ही। मैं फिर उसके पास जाता हूँ, और ये सारे ड्रैगन्स उसके चमचे थे। पर ये देख रहे हो, प्रॉपर ऐसा दिखता है विल्डर बिस्ट। इसकी शक्ल इतनी खतरनाक दिखती है, पर भाई ये तो गुस्से में मेरी ओर ही आ रहा था। मैं थोड़ा दूर जाता हूँ उससे, पर यह मेरी ओर बढ़ते ही जा रहा था, और फिर अचानक मेरे पे अटैक किया। पता नहीं इसको मैं दिख भी रहा होगा या नहीं, जो भी हो मैं उससे दूर ही रहता हूँ। और उसके सामने वो दूसरा ड्रैगन कितना छोटा बच्चा लग रहा है। फिर मैं लेके आता हूँ रूटर को, और अब टाइम आ गया था इसे ख़त्म करने का। उसे एक दो हिट मारता हूँ, लेकिन वो मिस हो जाती है। लेकिन उसके बाद एक हिट ऐसी पड़ती है कि वो बौखला जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। मेरी ओर आ तो रहा था, लेकिन अब उसे भी नहीं पता था कि उसे करना क्या है। लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, और उससे दूरी बना के रखता हूँ, और दूर से ही उस पर अटैक करता हूँ। लेकिन अचानक वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़े अलग एंगल से वापस वो दिखता है, लेकिन इस बार वो अपने बॉडीगार्ड के साथ दिखता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो उसके जाने का इंतजार करता हूँ, और जैसे ही वो चले जाता है फिर से मैं अटैक चालू करता हूँ। यह बहुत वीक हो गया था, पहले ही उसकी पावर आधी हो गई थी, ऊपर से रूटर का अटैक भी इतना पावरफुल था कि वो मुझ पर अटैक भी नहीं कर पाया, और फाइनली वो मारा जाता है। लेकिन तभी उसका बॉडीगार्ड वहाँ पे आ जाता है और मेरे पे आग फेंकता है। लेकिन ये रूटर के सामने क्या ही टिकेगा, एक ही शॉट में ये भी मारा जाता है। सो फाइनली रूटर ने विल्डर बिस्ट को मार के पूरी ड्रैगन कम्युनिटी को बचा लिया था। खैर, विल्डर बिस्ट अब मारा जा चुका था। उसकी मौत के बाद मैं बहुत खुश था, लेकिन तभी वापस बिजलियाँ कड़कती है और एक आवाज़ आती है। विल्डर बिस्ट को मार के खुद को बहुत बड़ा वाइकिंग समझने लगे हो? हा 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 हा। विल्डर बिस्ट तो सिर्फ एक बच्चा था, तुम्हारी असली जंग मेरे साथ है। और इतना बोलते ही वापस बारिश चालू हो जाती है। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं रहा था कि जो बंदा अब तक मेरी हेल्प कर रहा था, उसी के साथ मेरी जंग कैसे। उसकी बातों से मेरा पूरा दिमाग घूम गया था। लेकिन जैसे ही मैं पीछे घूमता हूँ तो आई वॉज
शाह।